उनसे मेरा सख्त एतराज है, कुछ चैनल्स ने भी चलाई, मैं आज भी कायम हूं इस बात पर कि मेरी दिल्ली की कोई भी विजिट, मैं कभी मानेसर नहीं गया, न सचिन पायलट के बागी लोगों से मिला। मैं आज और स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आपको किसी से जांच करानी तो सीबीआई से करवा लीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन यह झूठ मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से बोला है, अभी तक तो चैनल्स में चल रहा था। इस बात पर आपत्ति है कि आप अपनी लड़ाई में किसी तीसरे लोगों को घसीट के राजी क्यों हो रहे हो? क्या इससे सरकार बच जाएगी? क्या हमारी नैतिक जिम्मेवारी है सरकार बचाने की? उनकी सरकार जाएगी, उनके अपने कर्मों से जाएगी। उनका आलाकमान सो रहा था क्या? चार चार लोग प्रभारी लगा रखे हैं, टीवी के कैमरों के आगे चेहरा चमका के आ जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है कि मेरा कम्युनिकेशन 18 महीने से डिप्टी सीएम से नहीं है, हम दोषी हैं क्या उसके? उनका समझौता कौन कराता? उनके जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, वो तो कुछ और भाषा बोल रहे हैं और ये कुछ और बोल रहे हैं। 18 महीने से कम्युनिकेशन नहीं है, उसी बयान में कहते हैं कि वो अभी भी आ जाए तो गड़े लगा लूं, और आज फिर दूसरी भाषा बोल रहे हैं। तो भैया, राजस्थान को तमाशा क्यों बना रखा है? आप तो सीधे सीधे इन बातों का जवाब दीजिए कि आप बाड़ा बंदी अभी कह रहे हैं सब आजाद हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था, 3 लेयर की सिक्योरिटी, अपने लोगों पर अविश्वास, जिस तरीके से बीटीपी के लोगों से आचरण हुआ वो देखा नहीं क्या वीडियो आप लोगों ने? अंधा आदमी देख सकता है, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कान में क्या कह गया, व्यक्ति कहना क्या चाह रहा, यह भी दिखाता। इसलिए साफ तौर पर जाहिर है कि नैतिक रूप से यह सरकार कमजोर है, मुख्यमंत्री कमजोर है, और जिस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और बीजेपी को तोहमत देते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने नैतिक रूप से हार स्वीकार कर ली। जो मुद्दे और मसले कानूनी और संवैधानिक हैं, उनका फैसला अदालत करेगी या विधानसभा के फ्लोर पे होगा, लेकिन एक बात साफ है, आज की उनकी बातचीत से मैं निश्चित रूप से, मुझे तकलीफ हुई कि एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भले ही अपने लोगों के खिलाफ बोल रहा हो, लेकिन इस तरीके की भाषा, मुझे लगता है कि इस तरीके से संसदीय आचरण में इस तरीके की भाषा का कोई स्थान नहीं है। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से पूरी सरकार बंधक है, विधायकों के लोगों को उनके लोग ढूंढ रहे हैं, मंत्रियों को ढूंढ रहे हैं।